लाइट हो रही है। और द लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम वन और द लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू और द लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और द लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय बोल दीजिए इक्वेशन नंबर वन। फिर देखिएगा सिमिलरली फॉर द लाइट Similarly, for the light going from. Good evening, sir. Good evening. Similarly, for the light going from medium to medium two to medium one, the refractive index The refractive index is given by 2 eta 1 is equal to V2 upon V1. 2 eta 1 is equal to V2 upon V1. Now, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जैसे 2 eta 1 is equal to V2 upon V1 हो गया मैं इसको बोल सकता हूं रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स का मतलब क्या है कि दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल ले लीजिए रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स जब दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन One upon two eta one is equal to V one upon V two. इसको बोल दीजिए equation number two. और equation one जो है वो भी V one upon V two के equal और equation two जो है ये भी V one upon V two के equal. हम यहाँ लिखेंगे equating one and two. One eta two is equal to one upon 2 eta 1 1 eta 2 is equal to 1 upon 2 eta 1 बताइए समझ में आ गया सभी बच्चों को अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक अगर फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम तक जाने में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आने में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा तो आप रेसिप्रोकल कर देंगे उसका ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं 1 eta 2 is equal to 1 upon 2 eta 1 और हमने मैथमेटिकली इसको प्रूव करके भी देख लिया है तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है सभी को ठीक है सर ठीक है आगे चलते हैं सुनिएगा कितना If the refractive index if the refractive index of water or if the refractive index of water or light going from air to water or light going from If the refractive index of water for light going from air to water, सीधी सी बात है
हियर से वाटर में लाइट जा रही है तो वाटर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और लाइट गोइंग फ्रॉम हियर टू वाटर इज 1.33 इज 1.33 कॉमा व्हाट इज द What is the refractive index for light going from water to air What is the refractive index for light going from water to air ये हमको बताना है तो एयर से वाटर में जब लाइट जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रखा है 1.33 तो जब लाइट एयर से वाटर में जाती है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.33 तो क्लियरली हम यहां पर कहेंगे कि ए बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/W βA बेटा समझ में आ गया है सभी बच्चों को सर यस सर क्लियर है ना यस सर ठीक है तो अब ए ईटा डब्ल्यू हमको दे रखा है 1.33 1.33 इज इक्वल टू 1/W βA W βA इसको इधर ले आइए इसको इधर ले आइए W βA is equal to 1/1.33 पॉइंट गया तो ऊपर 100 आ गया तो 100 को 133 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.75 यही चीज पूछ रहे थे हमसे एक मिनट होल्ड करिए सही बच्चे हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे इसमें आप द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ केरोसिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ केरोसिन refractive indices of kerosene, turpentine and water. The refractive indices of kerosene, turpentine and water are are 1.44, 1.47 and 1.33. 1.33 respectively. So, in which of these materials does light travel fastest? In which of these materials does light travels
when light travels fastest. इनमें से कौन से मटेरियल में लाइट जो है वो बहुत फास्ट चलती है, बहुत फास्ट ट्रैवल करती है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हैं, इंडेक्सेस मतलब इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म को ही इंडेक्सेस बोल देते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर 1.44, 1.47 एंड 1.33 रेस्पेक्टिवली। तो ये पूछ रहे हैं इन विच ऑफ दीज मटीरियल्स डज लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट, इनमें से किस मटीरियल में लाइट सबसे ज्यादा तेज चलती है, सबसे ज्यादा तेज ट्रैवल करती है। मतलब मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा मीडियम ऐसा है जिसमें लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो जब ये दे नहीं रखा कि लाइट कहां से कहां ट्रेवल होती है, तो हम यहां पर देखेंगे, सपोज दैट लाइट एंटर्स इनटू, लाइट एंटर्स इनटू केरोसिन comma turpentine, kerosene, turpentine and water from here. ये हमको दे नहीं रखा है कि light कहाँ से enter कर रही है, क्योंकि refractive indices दे रखे हैं। तो refractive index जिसका दे रखा होता है तो समझ लीजिए कि light उसके अंदर enter कर रही है, लेकिन ये नहीं दे रखा कि किस medium से इनके अंदर enter कर रही है। तो हमने कहा कि हम ये मान लेते हैं कि तीनों में ही लाइट जो है वो एयर से एंटर कर रही है। तो अब मैं बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, रिफ्रैक्टिव refractive index of kerosene, इसको हम बोल देंगे कि air से kerosene में light enter कर रही है, a eta w is equal to velocity of light in air upon velocity of light in kerosene. तो kerosene को मैंने बोल दिया, kerosene में light की velocity को मैंने बोल दिया vk। इसी तरह से और ये मुझे कितना दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, केरोसिन का कितना दे रखा है 1.44। तो हम यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी के इंटू 1.44 इज इक्वल टू वी एयर। तो वी के कितना हो गया, वी एयर अपॉन 1.44, बताइए ठीक है। तो इसी तरीके से समझ में आ गया सभी को ये चीज? Yes sir, sir. ठीक है, इसके बाद देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन। तो इसमें हम बोलेंगे ए बीटा T for turpentine is equal to velocity of light in air upon velocity of light in turpentine VT, और ये कितना दे रखा है 1.47। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि VT कितना हो जाएगा, V air upon 1.47, V air upon 1.47 जो VT की वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ kerosene, turpentine and water, refractive index of water. So A eta
डब्ल्यू मतलब लाइट एयर से वाटर में एंटर कर रही है इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू कितना गिवन है 1.33। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ये हो जाएगा वी एयर अपॉन वी एयर अपॉन 1.33। अब आप ये देखिएगा कि यहां पर ऐसा हो गया कि vk is equal to va upon 1.44 vt इतना आ गया। तो आप ये देखो कि अगर किसी भी टर्म की मैं बात करूं, मैं तीनों वेलोसिटीज की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन केरोसिन तो उसमें क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन 1.44, तो न्यूमरेटर में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है, ठीक है। फिर मैं टर्पेंटाइन की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन ये हो जाएगा va upon 1.47। तो यहां पर भी न्यूमरेटर में va एयर है और डिनोमिनेटर में 1.47 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, उसमें भी न्यूमरेटर में वी एयर है और डिनोमिनेटर में 1.33। तो जब मेरा न्यूमरेटर सेम है, जब मेरा न्यूमरेटर सेम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 1 की, 1 को 2 से डिवाइड करिए, 1 को 4 से डिवाइड करिए और 1 को 8 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1/2 की, या पहले 1/8 की वैल्यू बताइए क्या आएगी, ये आएगी 0.125, समझ गए। फिर 1/4 की वैल्यू बताइए ये कितनी आएगी 0.25। हाँ 0.25 इसके आगे एक जीरो और लगा दो बस। फिर 1/2 ये कितना आएगा 0.5, इसके आगे दो जीरो और लगा दो। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा हो गया, इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 0.500, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी वैल्यू क्या है 0.250 और सबसे छोटी वैल्यू है 0.125। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। 1/2 सबसे छोटा नंबर है तो इस फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है। 1/8 तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ी वैल्यू है डिनोमिनेटर में, तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे छोटी आ रही है 0.125। तो यहां पर भी देखिए कि न्यूमरेटर में सेम है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वी एयर वी एयर वी एयर, तो डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो हम ये कहेंगे यहां पर सिंस 1 सबसे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 1.44 1.47 और 1.33। तो आप यहां पर लिखिएगा सिंस 1.47 इज ग्रेटर देन 1.44 इज ग्रेटर देन 1.33। ये है 1.47 इज ग्रेटर देन 1.44 इज ग्रेटर देन 1.33। Therefore, जहां पर ये सबसे बड़ी वैल्यू है डिनोमिनेटर में वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। Therefore, we air upon 1.47 is less than 1.44 वाला we air upon 1.44 is less than V air upon 1.33. It implies that V air upon 1.47 यानी कि VT is less than V air upon 1.44 यानी कि VK is less than V air upon 1.33 यानी कि VW। तो हम ये कहेंगे light travels fastest in water, light सबसे ज्यादा तेज चलेगी water में। बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गई है जी? Yes sir. जिस fraction में denominator जितना छोटा होगा वो fraction की value उतनी बड़ी होगी। तो सबसे छोटा denominator किसमें है 1.33 water के केस में, तो ये जो velocity of light in water VW ये सबसे बड़ी value होगी।
सभी को क्लियर है अनुभव? यस सर, यस सर, अनुभव है ऑनलाइन अनुभव? नहीं। कार्तिक क्लियर है? दीपांशी, विदुषी, कृष्णांशी? यस सर। ठीक है, शौर्य, नव्या? यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है बाई स्फेरिकल लेंसेज। मैं ये सारा मिटा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर आप कल टेस्ट कितने बजे लोगे? कल टेस्ट मैं मॉर्निंग में भेज दूंगा, 11 या 12 बजे तक आपके पेरेंट्स के मोबाइल फोन पर भेज दूंगा। सर टेस्ट संडे को ले लो, कल हमारी क्लासेस है। कोई बात नहीं, आप संडे को दे देना। सर आप संडे को ही सेंड कर देना, नहीं तो फिर मम्मी मेरे को बोलेगी। जिस बच्चे को भी संडे को देना हो वो संडे को दे दे। सर आप कल ही परसों ही सेंड कर देना फिर। ठीक है, मैं मेरे दिमाग से ना निकल जाए तो आप मेरे को आपको टेक्स्ट कर दूंगी, व्हाट्सएप पर मैसेज करके छोड़ देना, तो मैं संडे को भेज दूंगा आपको। ठीक है सर, आप पर्सनली भेजोगे? हाँ मैं पर्सनली भेजूंगा, और मम्मी के या पापा के मोबाइल फोन पर भेजूंगा। ठीक है सर, मामा वाले भी भेज देना। ठीक है, अच्छा ये सारा मिटा रहा हूँ और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सर कल मेरे ब्लॉक में 10 से 6 बजे तक लाइट नहीं आएगी, तो मैं भी परसों दूं? अरे अच्छा, कल तो 23 तारीख है वो। चलो ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, परसों दे देना, कोई बात नहीं। ओके सर, मेरे ब्लॉक में भी नहीं आएगी। हाँ वो 10 से 6:30 बजे तक है ना, कल का लाइट नहीं आएगी। यस सर। यस सर। अच्छा ओके, चलो ठीक है, ठीक है परसों दे देना आप। रीडिंग कर लीजिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाई स्फेरिकल लेंसेज। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाई स्फेरिकल लेंसेज। अब इसमें हम ये कहेंगे लेंसेज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाई स्फेरिकल लेंसेज इसमें लिखिएगा, lenses are of two types, convex lens convex lens and concave lens। दो तरीके के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स की और फिर कॉन्केव की। तो कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके का होगा और कॉन्केव लेंस वो इस तरीके का होगा। Convex lens और concave lens, ठीक है? अब हम ये देखते हैं इसमें कि जैसे मान लीजिए हमने एक ना, जब हमने मिरर की बात करी थी तो मिरर में हम ये देख रहे थे कि एक स्फेरिकल ग्लास बॉल होती है, उस स्फेरिकल ग्लास बॉल में से अगर मैं काट कर एक टुकड़ा निकालूं तो उसमें जिस तरफ पॉलिड सरफेस होगी उससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर। देखिए
ये हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है, इस स्फेरिकल बॉल को आपने एक साइड से यहां से आपने काट दिया स्फेरिकल बॉल, ठीक है, और यहां से भी काट दिया। अब मेरे पास काटने के बाद में एक टुकड़ा ऐसा आ गया और एक टुकड़ा ऐसा आ गया, हम इन दोनों को नजदीक ले आए, दोनों को नजदीक लाकर हमने चिपका दिया। तो ये अब जो सरफेस है जो बाहर से हमको दिखाई दे रही है, गहरी वाली सरफेस तो अंदर चली गई, लेकिन जो उभरी हुई बल्जिंग आउट सरफेस है वो बाहर की तरफ है। तो इसका मतलब ये वाली सरफेस भी कॉन्वेक्स है, ये वाली सरफेस भी कॉन्वेक्स है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि दोनों ही सरफेसेस हैं, वो दोनों ही सरफेसेस बाहर को निकलती हुई सरफेसेस हैं, बल्जिंग आउट सरफेसेस हैं, गहरी वाली सरफेस नहीं है। तो जो गहरी वाली सरफेस होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्केव, जो बाहर को निकली हुई सरफेस होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो हमने ये कहा कि ये कॉन्वेक्स लेंस होगा क्योंकि इधर वाली और इधर वाली दोनों सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस है। अब अगर इसका अगर इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करना हो वर्टिकली लेंस को, तो हम ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से, और हॉरिजॉन्टल अगर लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस जहां पर ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं सी। सी इज ऑप्टिकल सेंटर, सी इज ऑप्टिकल सेंटर। तो ये क्लियर है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस सर, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। जैसे मिरर के केस में पोल होता था, तो यहां पर सी है यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिएगा ये जो मिरर है, ये सॉरी जो लेंस है, ये लेंस किसी एक स्फेरिकल बॉल का ही तो हिस्सा है। तो अगर मान लीजिए इसका जो इधर वाला ये कर्व है, इस कर्व को अगर मैं कंप्लीट करके वापस वही स्फीयर बना दूं, तो इस स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा? लगभग यहाँ पर, इस जगह इसका सेंटर होगा। तो जहां पर इस स्फीयर का सेंटर होगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे, याद करिए हम मिरर के केस में उसको बोलते थे कैपिटल सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन यहाँ कैपिटल सी इज फॉर ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम बोलेंगे 2F, यहाँ पे बोलेंगे 2F, और ऑप्टिकल सेंटर और 2F का जो डिस्टेंस है उसका जो आधा होगा, बीच का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे F, F इज फॉर फोकस। समझ गए? तो वहां होता था F और C, यहाँ पर होगा F और 2F। ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। सर इसमें पोल नहीं होगा? पोल की जगह बेटा ऑप्टिकल सेंटर आ गया यहाँ पर। अच्छा, बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा ये तो इधर वाले कर्वेचर को मैंने कंप्लीट करा, ये आ गया 2F। अब इधर वाले को अगर हम कंप्लीट करेंगे, इसका जो सेंटर है इसका सेंटर इधर आएगा, ये भी 2F। तो अब कंफ्यूजन इस चीज का हो गया कि मैं 2F इधर लू या इधर लू, तो हम एक का नाम बदल देते हैं, हम लेफ्ट वाले को बोल देते हैं 2F' और इसको F', ये F' और 2F'। ऐसे ही यहाँ पर इस ऑप्टिकल सेंटर और 2F के बीच का जो पॉइंट है उसको बोल देंगे F। तो इधर वालों को बोलेंगे F और 2F और इधर वालों को बोलेंगे F' और 2F'। ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ जी, अब इससे हम एक चीज कंक्लूड करेंगे कि जो भी हमारे लेंस होते हैं ना, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव हो, फिलहाल तो कॉन्वेक्स की बात करते हैं, कॉनकेव पर भी अभी आता हूँ, तो उसमें जो हमारा फोकस होता है, फोकस हमेशा दो होते हैं। इसी तरह से फोकस का जो डबल पॉइंट है 2F, 2F भी हमेशा दो होते हैं। तो लेंस ऑलवेज हैव टू फोकाई, फोकस का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं फोकाई, F O C I, फोकाई।
ठीक है। तो ये चीज मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गई होगी। यस सर। अच्छा, इसके बाद अब एक चीज आप नोट करेंगे, नहीं ठीक है इतना ही बहुत है, ये कर लिया सभी बच्चों ने नोट? यस सर। यस सर कर लिया। मिटा दूं इसको, कर लिया हो तो? यस सर। चलिए जी मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आप लिखेंगे कॉनकेव लेंस, ये तो एज इट इज है फिगर। हमने कहा कि एक स्फेरिकल ग्लास बॉल है, स्फेरिकल ग्लास बॉल में से मैंने यहां से एक कांच का टुकड़ा निकाला और अब इसको एज इट इज ऐसे ना रखकर उल्टा रख दूंगा, मतलब इसको ऐसे रख दूंगा ठीक है। ये जो टुकड़ा है इस टुकड़े को ऐसे ना लेकर ऐसे ले लेंगे, इसको ऐसे पलट कर रख देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही जो इधर वाला टुकड़ा है, इधर वाला टुकड़ा, इसको ऐसे रखने की बजाय इसको ऐसे पलट कर रख देंगे तो ये भी ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को नजदीक ले आएंगे, तो दोनों को नजदीक लेकर आए तो ये ऐसे हो गया। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। हम क्या करेंगे, अब एक वर्टिकल लाइन हम ऐसे खींचेंगे जिससे ये मिरर 50-50 में आपको डिवाइड होता हुआ नजर आए वर्टिकली। हमने क्या करा, एक वर्टिकल एक्सिस ऐसे ले ली और सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे गुजारेंगे, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो वर्टिकल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हमने बोल दिया कैपिटल सी। कैपिटल सी इज अगेन क्या, ऑप्टिकल सेंटर। फिर क्या करो, ये जो इधर वाला कर्व है इस कर्वेचर को कंप्लीट करो आप, ये स्फीयर बन गया। ये जो स्फीयर बना है इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको बोल देंगे 2f और ऑप्टिकल सेंटर और 2f का जो मिड पॉइंट होगा उसको बोल देंगे f। इसी तरह से जो इधर वाला कर्वेचर है इसको कंप्लीट करो ठीक है, इसका जो सेंटर होगा उसको भी बोल देंगे 2f और c और 2f का जो आधा होगा उसको बोल देंगे f। वही कंफ्यूजन, तो जैसे मैंने कॉन्वेक्स में करा था कि इधर f डैश और 2f डैश, क्योंकि ये कॉनकेव है, कॉनकेव में ज्यादातर जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी कॉन्वेक्स की उल्टी चलती है, तो वहां पर मैंने लेफ्ट वाले को f डैश और 2f डैश लिया था, यहाँ राइट वाले को आप f डैश और 2f डैश ले लीजिए। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को? सर ये वाला रिपीट कर दीजिए प्लीज, मैं डिस्कनेक्ट हो गई। सर एक बार कॉन्वेक्स वाला फिर से बता दो। कॉन्वेक्स वाला तो इससे पहले बताया था, ये कॉनकेव वाला है? नहीं वो मेरे को ये समझ आ गया, वो नहीं आया था समझ, वो अभी बताऊंगा, पहले ये बताइए ये आपको क्लियर है? नहीं सर रिपीट कर दीजिए। ठीक है मैं दोबारा बता रहा हूँ सुनिएगा। हमने क्या कहा कि एक टुकड़ा यहाँ से लेकर आए और ये टुकड़ा ऐसे सीधा था लेकिन मैंने इसको ऐसे पलट कर रख दिया यहाँ पर, और ये टुकड़ा यहाँ से लेकर आए इसको भी पलट कर रख दिया, तो अब जो मतलब इधर जो सरफेस है और इधर जो सरफेस है गहरी वाली सरफेस है, मतलब कॉनकेव वाली, केव मतलब होता है ना गहरा ठीक है, तो ये कॉनकेव वाली सरफेसेस है इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये जो हमारा लेंस हो गया ये कहलाएगा कॉनकेव लेंस। अब हम क्या करेंगे, जो इधर वाला कर्वेचर है, इधर वाले कर्वेचर को आप एक डॉटेड लाइन बनाकर आप एक स्फीयर कंप्लीट कर लीजिए, आप एक स्फीयर कंप्लीट कर लीजिए। इसी तरह से जो इधर वाला कर्व है इसको आप डॉटेड लाइन बनाकर यहाँ पर एक स्फीयर कंप्लीट करिए, तो जो इधर वाला स्फीयर है उसका कुछ सेंटर तो होगा,
तो वो जो सेंट्रल पॉइंट है उसको मैंने बोल दिया 2F, और जो इधर वाला स्फीयर है उसके सेंट्रल पॉइंट को मैंने बोल दिया 2F'। ठीक, और ये F' हो गया, ये क्या हो गया ऑप्टिकल सेंटर और 2F' का आधा ये F' हो गया। बताइए क्लियर है सभी को, इतना ही बताया था बस। यस सर। बताओ क्लियर है बेटा, बाकी सब बच्चों को भी क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, ठीक है, अब इसके बाद मैं ही देखता हूँ। यस सर। हाँ जी, इसके बाद हम ये कहेंगे कि ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एफ हो गया, टू एफ हो गया, एफ डैश हो गया, टू एफ डैश हो गया। तो अभी के लिए, सिर्फ जस्ट अभी के लिए आपको बता रहा हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस में मैंने एफ डैश और टू एफ डैश लेफ्ट साइड में माना था, और कॉनकेव के लिए मैंने एफ डैश और टू एफ डैश राइट साइड में माना है, क्योंकि कॉनकेव कॉन्वेक्स का उल्टा होता है। ठीक है, तो अब ऐसा ही मैंने क्यों माना है कि इधर एफ डैश टू एफ डैश राइट में और उधर एफ डैश टू एफ डैश लेफ्ट में? बस पहले इनके रूल्स देख लीजिए, रूल्स के बाद में आप ये सवाल ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों करा। ठीक है, चलिए जी, ये बिठा के मैं एक बार कॉन्वेक्स दोबारा से बता रहा हूँ। सबने नोट कर लिया था ये? यस सर। यस सर। देखिए जी, इससे पहले मैंने कॉन्वेक्स देखा था, एक बार दोबारा देखिए कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस में जो इधर वाला टुकड़ा है इसको लेकर आ गए एज इट इज, और जो इधर वाला टुकड़ा है इसको लेकर आ गए एज इट इज, और दोनों को आमने सामने हमने ऐसे चिपका दिया। बताइए क्लियर है? ठीक है, और अगर वर्टिकली इसको मुझे 50-50 में डिवाइड करना है तो एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे ऐसे, ये वर्टिकली बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसी को तो बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों मिलते हैं इसको बोल देते हैं हम सी। सी मतलब ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया। अब आप क्या करिए, जो इधर वाला ये कर्व है इसको कंप्लीट करके एक स्फीयर बना लो। हो गया, ये जो स्फीयर बना, इस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर तो होगा, जैसे हर स्फीयर का एक सेंटर होता है तो ऐसे ही इस स्फीयर का भी एक सेंटर होगा, तो ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर को हम बोलेंगे 2F। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑप्टिकल सेंटर है और ये जो 2F है, इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है, मतलब इसका 50-50 में जो है, इस वाले को मैं बोल दूंगा F। बताओ ये क्लियर है दिवस? यस सर। ठीक है, तो अब हम इसको F और 2F ना बोलकर हम इसको बोलेंगे F' और 2F'। इसको हम बोलेंगे F और 2F ना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे F' और 2F'। दो मिनट रुक जाइए, बताऊंगा अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद जो इधर वाला कर्वेचर है इस कर्वेचर को कंप्लीट करिए। हो गया, तो जो इधर स्फीयर बना इसका भी तो कोई सेंटर होगा, इसका सेंटर बना दीजिए ये रहा। तो जैसे यहां पर सेंटर को मैंने 2F लिया था, यहां भी आप 2F ले लो। और ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और 2F, इसके आधे डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे F। ये F हो गया। बताइए जी क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट याद है तो उसमें हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों करे थे, तो मुझे ये बताइएगा कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है? सर कॉनकेव की, कॉनकेव की बताओ बेटा, कोई भी बताओ, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है? सर नेगेटिव होती है शायद। पॉजिटिव। चलिए मेरी बात सुनिएगा बच्चे, सभी ध्यान से सुनिएगा, ये होता है कॉनकेव, पॉजिटिव होती है।
यहाँ पर मान लीजिए मैंने इधर पोल है और इधर फोकस है, इधर पोल और इधर फोकस, कैसे ही होता है? अरे बोलो हाँ या ना कुछ तो बोलो। तो कॉनकेव मिरर यही होता है? यस सर। ठीक है, अब ये बताइए कि पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करे जाते हैं तो फोकस लेफ्ट में है या राइट में है? लेफ्ट। फोकस लेफ्ट में है तो इसका मतलब लेफ्ट में मेजर करने वाले सारे डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं? नेगेटिव सर, मैंने नेगेटिव ही बोला था। मेरी बात तो सुन लो एक मिनट। तो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। इसी तरह से अगर आप कॉन्वेक्स चेक करोगे तो कॉन्वेक्स में फोकस आपका राइट साइड में होता है। तो कॉन्वेक्स के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, समझ गए? कॉनकेव के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव। बताइए सभी को याद आ गया? यस सर। यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा, दिमाग में बिठा लेना इस चीज को अच्छे से कि कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, सिर्फ एक शब्द याद रखना है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, ठीक है। और हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, उसमें हमने ये देखा था, ऐसे लिखते हैं y, y dash, x, x dash, ऐसे लिखते हैं y, y dash, x, x dash। तो x किसके लिए होता है? पॉजिटिव के लिए। और x dash किसके लिए होता है? नेगेटिव के लिए। y होता है पॉजिटिव के लिए और y डैश होता है नेगेटिव के लिए। ठीक इसी तरीके से जब मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव। तो मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ तो कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसी वजह से मैं इसको एफ बोल रहा हूँ। अगर नेगेटिव होता ना तो मैं क्या बोलता? एफ डैश। बता दीजिए समझ में आ गया कि नहीं? यस सर, आ गया। तो क्योंकि कॉन्वेक्स है तो इसीलिए कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव कहां पर आएगा? राइट साइड में। पॉजिटिव आएगा राइट साइड में, तो मैं राइट साइड वाले को ही एफ और टू एफ बोलूंगा, समझ गए? उसी तरीके से कॉनकेव की बात जब मैंने करी थी, कॉनकेव लेंस की, तो यहाँ पर एफ और टू एफ था, कॉनकेव में मैंने एफ और टू एफ को इधर रखा था। मैंने कॉनकेव में एफ और टू एफ को इधर इसलिए रखा था बिकॉज यहाँ पर लेफ्ट साइड में फोकस हमारा क्या होगा? नेगेटिव। कॉनकेव के केस में फोकस नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने एफ और टू एफ को लेफ्ट साइड में रखा था। बताइए समझ गए? यस सर। ठीक है, अच्छा ये सवाल कोई आपसे पूछा नहीं जाएगा, पर जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि मैंने एफ और टू एफ कॉन्वेक्स में ही यहाँ पर क्यों रखा। अगर किसी बच्चे के दिमाग में सवाल आ रहा हो तो उसकी सवाल की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये चीज बताया है। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे? यस सर। चलिए जी, इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। लिखिएगा, रूल्स फॉर रूल्स फॉर ऑप्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेस,
rules for obtaining images formed by convex lenses. ये है तो पहला देखिएगा अ रे ऑफ लाइट रूल वन रूल वन में लिखिएगा अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल the a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens passes through its focus passes through its focus after refraction. इसमें क्या होगा? यदि जो सारे rules हैं और images formed हैं ये सारी practical होती हैं, theoretical थोड़ी ना होती हैं। Practical हैं ये सारे के सारे। जब भी कभी आपका school बोलेगा ना तो practical में भी आपको ये करवा के दिखाएंगे। अच्छा। ये सारे के सारे प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको ऐसे ही हाइपोथेटिकली बताई जा रही है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और कॉन्वेक्स लेंस में ये वर्टिकल एक्सिस हो गई और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो अब कॉन्वेक्स के केस में हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो एफ इधर और टू एफ इधर और एफ डैश इधर और टू एफ डैश इधर। कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो वर्टिकल एक्सिस से टकराती ही फोकस से होकर जाएगी। वर्टिकल एक्सिस से टकराएगी वो फोकस से होकर जाएगी, मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। एक मिनट के लिए मेरा वीडियो जरा पॉज हो जाएगा। अब देखिएगा रूल नंबर टू, ये रूल वन था ऐसे ही दूसरा लिखिएगा रूल टू। रूल टू है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू the optical center of a convex lens goes straight after refraction. Refraction बाद ये स्ट्रेट निकल जाता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। हां जी। 24th को है साइंस का मिड टर्म। 24th ऑफ जून को ना? यस सर। और मैथ्स का है 29th को। मैथ्स का 29th को है, चिंता मत करो, मैंने नोट कर रखे हैं सारा तुम्हारा सिलेबस में क्या-क्या आएगा, तो तुमने भेज दिया था मुझे, वो सब नोट कर रखा है। आपका नेक्स्ट चैप्टर इस वाले बैच में एपी ही स्टार्ट होगा।
हमारे तीन चैप्टर्स रहते हैं ना, एपी, कोऑर्डिनेट और प्रोबेबिलिटी। यस सर। चैप्टर आपका एपी ही स्टार्ट होगा, केमिस्ट्री में एसिड बेस होगा, बायो में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सब करा दूंगा, चिंता मत करो। बैच के साथ अगर वो नहीं भी बना तो डीपीएस जी के आप तीन स्टूडेंट्स हो, आप तीनों स्टूडेंट्स का सिलेबस कराने की मेरी जिम्मेदारी है, मैं करा दूंगा। सर 30 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड होगा और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टाइप। पूरा समझा दूंगा सब आपको, आराम से आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो आप बेफिक्र रहिए, मुझे ध्यान है, मैं करवा दूंगा। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस गोस स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन। मतलब अगर अब ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया, जगह नहीं है, दिखाई नहीं देगा आपको, इसलिए छोटा बना रहा हूँ थोड़ा। यहाँ ये होता है ऑप्टिकल सेंटर सी। अगर कोई रे ऑफ लाइट आके सीधा ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करती है तो किसी तरीके का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये ऐसे सीधे निकल जाएगी, ये सीधे निकल जाएगी, समझ गए? यस सर। और रूल थ्री देखिए, ऊपर बना रहा हूं, में है अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द फोकस। अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द फोकस बिकम्स becomes parallel to the principal axis, becomes parallel to the principal axis after refraction। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने कॉनकेव मिरर में देखा था। कॉन्वेक्स लेंस है, अगर कोई रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, लेफ्ट से ही आती है रे ऑफ लाइट, तो इधर फोकस है जिसको मैंने एफ डैश बोला, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट एफ डैश से होती हुई आती है और यहां टच करती है तो ये स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। बाय सर। हां बाय बाय, समझ गए? तो अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होती हुई आती है तो वो जब लेंस से टकराती है तो लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। बताइए जी, समझ आ गया? यस सर। ठीक है, इतना कर लीजिए नोट, बाकी कल कराते हैं आगे कंटिन्यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर आप प्लीज रिकॉर्डिंग भेज देना, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी काफी बार। मैं रात में भेजूंगा 11 बजे तक, ठीक है? पर अभी मीटिंग एंड मत करो, मैं रूल 3 लिख लाऊं। ओके ओके सर। सर मीटिंग एंड मत करना, मैं रूल 3 लिख रहा हूं। हां हां लिख लो लिख लो, मैं मीटिंग एंड नहीं कर रहा हूं, पर कर लो फटाफट अगली क्लास है मेरी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू सर। ओके। सर बस डायग्राम कर लीजिए, कर लीजिए। थैंक यू सर। ओके। नमस्ते सर। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। ओके। श्रीजा हो गया? यस सर। ठीक है। थैंक यू सर। विदुषी हो गया? ठीक है, कर दो मीटिंग एंड कर दो। यस सर। यस सर। ओके।